नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज खबर 24 और वक्त है खबरों का। रीवा जिले के अवैध कारोबारी पुलिस से बचकर नशे का कारोबार करने के लिए नए नए तरीके तैयार कर रहे हैं। इसका खुलासा डीआईजी रीवा नवनीत भसीन द्वारा चलाए जा रहे नशे के विरुद्ध अभियान के तहत नई गढ़ी पुलिस ने किया है। पुलिस द्वारा नशे के अवैध कारोबारी के घर में दबिश देते हुए महुआ लाहन कच्ची शराब नष्ट की गई है। वहीं नशे के कारोबार में प्रयुक्त किए जाने वाले पेटीएम को भी जब्त किया है। पुलिस आरोपी के विरुद्ध कार्रवाई कर रही है। कार्रवाई को लेकर बताया गया कि डीआईजी नवनीत भसीन ने अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मऊगंज विवेक लाल के मार्गदर्शन में एसडीओपी मऊगंज नवीन दुबे के निर्देशन में थाना प्रभारी नईगढ़ी जगदीश सिंह ठाकुर की एक टीम हमराह स्टाफ के साथ गठित की गई थी, जिसके बाद मुखबिर के बताए स्थान पर दबिश दी गई। इस दौरान पुलिस ने आरोपी सविता जायसवाल, पति दरोगा जायसवाल, उम्र 27 वर्ष, निवासी जायसवाल बस्ती नईगढ़ी के कब्जे से 10 लीटर हाथ भट्टी महुआ शराब जब्त कर आबकारी एक्ट के तहत कार्रवाई की गई एवं भारी मात्रा में रखे महुआ लाहन को नष्ट किया गया। पुलिस की इस कार्रवाई के दौरान आरोपी के घर से एक पेटीएम भी हाथ लगा है, जिसके संबंध में आरोपियों ने बताया कि वह ग्राहकों से इस पेटीएम नंबर में ऑनलाइन पेमेंट लगाती थी, जिसके बाद शराब देती थी। आरोपियों के मुताबिक अक्सर कच्ची शराब के शौकीन ऑनलाइन ही पेमेंट करते थे। पुलिस की इस कार्रवाई के बाद जायसवाल बस्ती में शराब का अवैध कारोबार करने वाले लोगों के अंदर हड़कंप मच गया है। बंद तो बहुत जल्दी की वह कहाँ है? कॉलेज का भागा पीछे। कोई नहीं था। है? भागा है। ये तो भागा है। इसका पति भी।